हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइस, मैं इतने समय तक फैक्ट की वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ भाई। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और भाई आजकल भाई मैं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो गाइस, फाइनली जिसका तुम्हें था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई है आज। सो गाइस, अब तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ तो आज मैं इस वीडियो में कुछ धमाका करने वाला हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस पे आपने कभी भी ध्यान नहीं दिया। टेंशन नॉट वो लिटिल सिंघम के ऊपर है, लेकिन आप लोगों ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आखिर वो चीज़ें हैं क्या, आपको पता चलेगा इस वीडियो में। लेकिन हाँ गाइस, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो गाइस, आपके भी दिमाग में ये ख्याल तो आता ही होगा कि आखिर ब्लैक शैडो एक एजेंट कैसे बनी, ठीक है? और इसकी मतलब इसके ऊपर थ्योरी क्या है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्साइटिंग चीज़ें जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक शैडो की बात करते हैं। सबको पता है कि लिटिल सिंघम की मदर ब्लैक शैडो है, लेकिन ब्लैक शैडो क्या पहले से ब्लैक शैडो नहीं थी? पहले वो एक पुलिस ऑफिसर थी। तो आखिर वो पुलिस ऑफिसर से एजेंट कैसे बनी? तो भाई मेरी थ्योरी तो ये कहता है कि हो सकता है कि भाई देखो भाई, अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को एक अवसर मिलता है कि वो एक एजेंट बने, ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली भाई अगर मुझे को भी ऑफर मिलेगा तो भाई मैं भी ज्वाइन करूँगा। ठीक है भाई, देखो तुम्हें कोई ऑफर देता है भाई तुम ज्वाइन करोगे। तो वैसे ब्लैक शैडो ने भी किया, लेकिन भाई ब्लैक शैडो के पास था उसका छोटा सा 5 साल का बच्चा यानी अजय। भाई वो अजय की देखभाल नहीं कर पा रही थी ध्यान से, तो भाई उसने उसकी जिम्मेदारी पता किसको दी? शायद ही आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा। गजब बेइज्जती है। ठीक है, अब कहोगे भाई उनमें से 1% को पता है, वो 1% है कौन? भाई वो मैं ही हूँ, ठीक है, और 99% आप लोग हैं। तो भाई आपको नहीं पता होगा, लेकिन भाई लिटिल सिंघम शो में ही ये चीज़ छुपी हुई है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि लिटिल सिंघम लड्डू के साथ ही सोता है। भाई एक एपिसोड में जब लिटिल सिंघम के एग्ज़ाम थे शायद मैथ का, तो उसने उसे प्रैक्टिस करने के लिए भाई रात भर उसने जागा था। भाई वो किसके घर में? लड्डू के साथ। और लड्डू के साथ यानी लड्डू के घर में, वो अजय का तो कोई घर ही नहीं है। अब तुम कहोगे कि लड्डू के नाने का तो घर गुजरात में, भाई गुजरात में भी है, लेकिन भाई मिर्ची नगर में एक अपार्टमेंट है जहाँ पर लड्डू की रानी रहती हैं। भाई देखो, आपने एक एपिसोड में देखा होगा जब भाई लिटिल सिंघम भाई पास्ट में जाता है, जब लड्डू मतलब कि लड्डू की नानी छोटी होती हैं, ठीक है, तो भाई वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपार्टमेंट में है, ना कि वो गुजरात में है, ठीक है। तो भाई हो सकता है उन्होंने घर खरीदा हो। तो भाई ये थ्योरी है, ऐसे रियल मत समझना, ये थ्योरी 98% सही हो सकती है, ठीक है। और देखो भाई, ब्लैक शैडो ने हो सकता है भाई सारी जिम्मेदारी भाई लड्डू की नानी को दे दी हो, ठीक है, क्योंकि भाई हो सकता है कि लड्डू की नानी और ब्लैक शैडो का रिलेशनशिप अच्छा हो, इसने भाई उसको सौंप दिया हो। अब भाई बस फीस की, तो भाई हो सकता है कि भाई ब्लैक शैडो भाई टाइम टू टाइम भाई महीने में फ़ीस भरती होगी, जैसे कि कुछ लोग भाई क्या करते हैं अपने मेंटेनेंस का चेक जो होता है भाई वो एक मतलब कि कोरियर कर देते हैं, मतलब तुम पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा करती होंगी। भाई देखो थ्योरी है, ठीक है। अब एक बार बात आती है कि भाई अगर ब्लैक शैडो है तो भाई उसका कोई ना कोई तो भाई कमांडर नहीं जो उसे कमांड करता है, वो तो कोई होगा ना, जैसे कि भाई हर किसी एजेंट का एक बॉस होता है जो उसे पार्टिकुलर टास्क करने को देता है, जैसे कि भाई ये हीरा है और वो उस घर में छुपा हुआ है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, और उस घर में भाई 100 बॉडीगार्ड है, तो भाई तुम्हें उस घर में लेकर आना है। तो भाई ये होता है मिशन, भाई मिशन हमें प्रोवाइड करते हैं बॉस। तो भाई अब बात करते हैं ब्लैक शैडो का बॉस कौन है। तो देखो ब्लैक शैडो का बॉस भाई इसका एक खुलासा अभी तक नहीं हुआ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कौन है ब्लैक शैडो के बॉस? फिलहाल भाई सबको तो ऐसा लगता है फौलाद ही है, लेकिन भाई फौलाद तो भाई लिटिल सिंघम के बॉस हैं, ठीक है। वो एक्चुअली में ब्लैक शैडो एक एजेंट है, पहले ऑफिसर थी, ठीक है, अब वो एक एजेंट, और एजेंट का एक बॉस होता है जो उसे पार्टिकुलर टास्क करने के लिए देता है।
और भाई ब्लैक शैडो के पास एक फ़ोन है जिससे वो सिर्फ अपने कमांडर से ही बात कर सकती है और किसी से बात नहीं कर सकती। वो पब्लिक के लिए नहीं है वो फ़ोन, ठीक है, वो पब्लिक बेसिस के लिए नहीं हो, वो प्राइवेट में बात करती है, वो भी अपने कमांडर से। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। और भाई वो एक सेफ फ़ोन है, ठीक है, उस नहीं उस फ़ोन को कोई हैंग कर सकता है ना ही हैक कर सकता है। अब बहुत ही सिंपल फ़ोन है, ठीक है भाई, वक्त आने पे भाई हेल्प भी करता है। अब बात करते हैं ब्लैक शेडो का सूट किसी ने डिज़ाइन किया, तो भाई ये भी बहुत स्टूपिड सा क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, तो आज मैं भी इसका भांडा फोड़ देता हूँ। सबको पता है भाई ड्रेस तो भाई ड्रेस डिज़ाइनर भाई डिज़ाइन करते हैं, लेकिन भाई ब्लैक शेडो को कौन डिज़ाइन करता है? तो टेंशन मत लो भाई, एनिमे एवरीथिंग को सब्सक्राइब कर रखा है ना, सब कुछ मिले बताएगा एनिमे एवरीथिंग, आपको कुछ छुपाएगा नहीं आपसे। जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, अब तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइस देखो, ब्लैक शेडो के जो कपड़े वो स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं एक साइंटिस्ट द्वारा, और भाई इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स भी लगाए गए हैं जैसे कि इनविजिबल। लेकिन भाई वैसे भी हमें एक भी मूवी में दिखाया नहीं गया कि ब्लैक शेडो कभी इनविजिबल हुई है, लेकिन भाई अक्सर सूटों में इनविजिबल होता है, ठीक है। और भाई साथ साथ भाई सूट में हो सकता है कि भाई बुलेट प्रूफ हो, ठीक है, अगर भाई कोई गोली वोली लगाए तो भाई लगे ना, क्योंकि तो भाई अक्सर एजेंट के ऊपर गोली से वार होता है और अक्सर भाई वो बुलेट प्रूफ कपड़े ही पहनता है, भाई ये स्पेशली डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। तो अब भाई बात तो रही ये कि लेकिन भाई तुम्हें पता है एक एजेंट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 5 साल की ट्रेनिंग लगती है भाई, तुम्हें कोई भी फ्री में एजेंट ही बनाता हो भाई, एजेंट के लिए कार्ड लगता है, ठीक है भाई, जब भी तुम कैंप में जाओगे वो तुमसे कार्ड मांगेगा एजेंट आओ। अब भाई अगर तुम एजेंट नहीं भी हो और तुम्हारे पास कार्ड है तब वो तुम्हें एजेंट मांग लेंगे, मतलब मान लेंगे। लेकिन भाई अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं हो, तुम एजेंट हो, तो भाई वो तुम्हें नहीं मानेंगे भाई, देखो पूरा नेम कार्ड के ऊपर ही है। अब तुम कहो कि चलो भाई हम फेक कार्ड बना लेंगे। चीटिंग 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 करता है तू। भाई ऐसा भी नहीं है, उसमें लगा होता है स्टैम्प, यानी मोहर जिसे हम कहते हैं। अब तुम कहोगे चलो मोहर नकली उसमें मतलब मार लेंगे। कंट्रोल कंट्रोल। तो भाई आरबीआई गवर्नमेंट का एक स्टैम्प होता है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, हर एक देश के पास एक अपना अपना स्टैम्प होता है जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा ही इंडिया के साथ में भी है, और एजेंट का जो स्पेशल स्टैम्प आता है भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है, ठीक है। और भाई वो ना ही मार्केट में मिलता है ना ही चोर बाजार में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है, ना ही भाई वो एप्पल कंपनी बेचती है उसे, ठीक है, कोई नहीं बेचता है उसे, ठीक है, वो बेचने के लिए बना ही नहीं है। और भाई वो इतने रेयर मिलते हैं, मतलब जो आरबीआई गवर्नमेंट है हमारी उनके पास बिल्कुल रेयर है ये, ठीक है, ये नहीं कि 100 भर रखा है भाई, बहुत ही कम है, कम से कम बोल सकते हो 5 या 6 है, ठीक है। और भाई हमारे इंडिया में भाई मुझे नहीं पता एजेंट है या नहीं है, लेकिन भाई ब्लैक शेडो एक एजेंट है। सब मुझे बवासीर है। पर ये तो बात रही ब्लैक शेडो की, आपको कैसा लगा ब्लैक शेडो की थ्योरी? आई होप आपको पसंद आई हो ब्लैक शेडो की थ्योरी। ये तो बात रही ब्लैक शेडो की, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते। फायर हॉक यानी लिटिल सिंघम के पापा, तो गाइस पहले में स्टोरी में दिखाया जाता है कि भाई ब्लैक शेडो सिंगल नहीं है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने गौर से ध्यान दिया होगा तो भाई जब अजय 5 साल का था और उसकी मॉम उसे मतलब कि ब्लैक शेडो से छूट गई थी, तो उसके पापा कहाँ थे? कहीं पानी पूरी बेच रहे थे? नहीं, वो कहीं पानी पूरी नहीं बेच रहे थे। एक्चुअली में देखो भाई पूरी थ्योरी ये कहता है कि पहले एक्चुअली में जो कहते हैं ना फायर हॉक के डैड थे यानी उसके पापा, वो एक्चुअली में एक सोल्जर थे, और भाई उनका सपना था कि अपने बेटे को सोल्जर बनाऊँ। और भाई विजय लिटिल सिंघम के डैड भाई जिन्होंने सोल्जर बना, लेकिन भाई एक्चुअली में भाई दुश्मनों के कारण उन्होंने सोल्जर को रिज़ाइन किया और भाई फाइनली वो एक साइंटिस्ट बने। और भाई उन्हें साइंटिस्ट बनने का आधार इसने है कि उन्हें पता है कि उनके अंदर साइंस का कीड़ा है। अगर भाई जब तुम्हें साइंस भी अच्छी लगती है, मुझे साइंस अच्छी लगती है, जब जिस जिसको भी साइंस अच्छी लगती है ना भाई, वो ठोको लाइक और साथ ही साथ भाई कमेंट में लिखो आई लव साइंस, बाय बाय। तो भाई विजय ने भाई पता है भाई क्या बनाया था? ब्लू चिप बनाई थी, ठीक है, फिर उसको रेड चिप, भाई ये स्टोरी में तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो भाई उसके बाद भाई जब वो ब्लास्ट हो गया सबको लगा कि मर चुका है वो, लेकिन एक्चुअली वो मरा नहीं था, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर वो मरा नहीं तो इतने साल तक था कैसा? तो आपको पता होगा कि सिंघम अल्टीमेट सोल्जर में भाई उसमें आपको दिखाया जाता है कि वो एक कैबिन के तो बंद था जिसके कहते हैं प्रोवाइड एनर्जी। अगर ये एक ऐसी खतरनाक एनर्जी होती है, अगर तुम इसमें जाओगे
तुम्हारे कोई भाई तुम्हारे कोई ना कोई पार्ट भाई शून्य हो जाएगा, यानी वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। सो तुम्हारे कोई ना कोई तो पार्ट होगा ही, ठीक है, जो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और भाई फिर तुम एक और चीज़ देखो भाई, जो हमारा फायर हॉक है, ठीक है, पापा। सो गाइस ये हमारे बहुत ही अच्छे इंसान है, ऐसे दिखाया गया मूवी में। तो भाई अब मैं बात कर बीमारी भाई, ये तो बात करी इनकी मूवी की दिखाने की, लेकिन भाई ये जो बीमारी जिसके बारे में एग्जैक्ट में बात कर रहा हूँ भाई, ये बीमारी बहुत रेयर हमारे इंडिया में, मैं शुक्रिया बना, ये बीमारी बहुत रेयर हमारे इंडिया में, चलिए मैं ये एक रियल है शायद, ठीक है, क्योंकि भाई अगर फेक होता तो भाई कोई भी ऐसा बताता नहीं भाई, शायद रियल है। और ये कैसे एनर्जी होती है जो आपको कोई भी सेंस ऑर्गन या फिर कोई पार्ट है आपको डैमेज कर देती है और आप उसको काम नहीं कर, मान लो आप गए भाई कोई फिक्स नहीं कि पैर ही जाएंगे, आइज चली गई तो भाई आप देख नहीं पाओगे। तो ऐसे फायर हॉक के साथ भी रहा भाई, फायर हॉक की पूरी एनर्जी छीन गई। फिर फायर हॉक ने एक व्हील चेयर बनाई, और वो भी ऐसी व्हील चेयर बनाई जो आसमान में उड़ सक सकती है, बहुत कमाल की बनाई, ठीक है। तो भाई फायर हॉक की तो ये थ्योरी थी। और भाई लिटिल सिंघम के मॉम एंड डैड तो आ गए, लेकिन क्या तो लगता है यार आगे की मूवी में लिटिल सिंघम की सिस्टर भी आएगी? क्या मुझे तो नहीं लगता कि लिटिल सिंघम की सिस्टर आएगी। फिर तुमने क्या कभी नोटिस किया है कि जो अजय के जीरो मार्क्स आते हैं मैथ में, क्या उसकी मॉम को पता है? हाँ पता है, भाई न्यू फ्रंटियर्स अगर देखा होगा लिटिल सिंघम ब्लैक शैडो मिशन न्यू फ्रंटियर्स, तो भाई उसमें भाई बताया गया था कि हाँ उसकी मॉम को पता चल चुका है इसके बारे में। लेकिन भाई कुछ भी हो, हमारा लिटिल सिंघम भाई भले ही मैथ में खूब कमज़ोर, लेकिन दुश्मन की पिटाई करते जमा जोर है, ठीक है। और अगर आपको मेरे लिटिल सिंघम के एनिमेशन वीडियो चाहिए तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। और गाइस प्लीज़ अगर आप मेरे वीडियो पे नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा कंटेंट बनाता था, बनाता हूँ, बनाता ही रहूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो अब बात करते कि आखिर लिटिल सिंघम पोगो पे क्यों आता है। तो गाइस मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म पे बताऊँ तो रॉन्ग भाई, देखो भले ही वो पोगो पे आता है, लेकिन भाई है तो लिटिल सिंघम, लेकिन भाई लोगों को मज़ा नहीं आता कुछ खास। भाई लिटिल सिंघम की कुछ ऐसी मूवी है जो भाई कुछ लोगों को नहीं पसंद आती है, जैसे भाई लिटिल सिंघम समुंदर का सिकंदर, भाई ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है, हो सकता है तुम्हारी फेवरेट मूवी, लेकिन भाई मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। और भाई अभी काल की न्यू सीरीज आई थी भाई, वो भी मेरे को पसंद नहीं आई। भाई देखो भाई अब ये मत समझो कि भाई पोगो ये लाइसेंस चेंज हुआ है, तो भाई देखो बात आती है कि भाई ये नहीं मेन रखता कि वो शो कहाँ पे एयर हो रहा है, मतलब महत्व ये रखता है कि वो शो में बचा क्या है। तुम्हें पता है कि रोहित शेट्टी ने लाइसेंस डिस्कवरी किड्स का ले रखा था, लेकिन वो हो सकता है कि डिस्कवरी किड्स को लिटिल सिंघम को शो अच्छा ना लगा, उस पर अच्छी टीआरपी नहीं आती हो। लेकिन बात आती है बेबी लिटिल सिंघम की, तो भाई वो पोगो क्यों नहीं ले रहा है? डिस्कवरी किड्स बेबी लिटिल सिंघम दिखा रहा है, आखिर वो भी तो लिटिल सिंघम ही है, तो हो सकता है लिटिल सिंघम पे अच्छी, मतलब बेबी लिटिल सिंघम में अच्छी टीआरपी आती है, लिटिल सिंघम में पूरी टीआरपी आती हूँ। डिस्कवरी किड्स ने कह दिया भाई लिटिल सिंघम शो चलेगा नहीं, इस शो को कैंसिल कर दो। अब भाई पोगो के लिटिल सिंघम के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने सोचा कि भाई अभी इतनी मेहनत से बनाया फ्लॉप तो जाएगी नहीं, किसी और चैनल पे एयर करते हैं। उन्होंने पहले कार्टून नेटवर्क और डिज्नी चैनल सोचा, लेकिन डिज्नी चैनल ऑलरेडी डोरेमोन, तो भाई वहाँ पे तो मार्केट में घुसना आसान नहीं है। अब बात आती है शिनचैन पर, शिनचैन तो एक एनिमे है तो वो किसी जमेगा नहीं। फिर बात आती तो निकलोडियन की, तो भाई निकलोडियन ऑलरेडी छोटा भीम रुद्रा जैसे बहुत सारे फेमस शो है, सोने की भाई निंजा हथौड़ी ले लो, ठीक है, भूत बंधु हैप्पी और वो ले लो पिनाकी, ठीक है। फिर बात आती है उस शो पर हंगामा की, तो भाई वहाँ पे पॉक्यूमन राज करता है। अब तुम बताओ कि मार्केट भाई ये शो खुश कैसे मार्केट में, तो इन लोगों ने सबसे बेस्ट वे निकाला पोगो, ये पोगो में छोटा भीम है। अब भाई अब क्या करते, उन्होंने सोचा कि भाई छोटा भीम जो दोस्ती कर लेते हैं, तो भाई उन्होंने लिटिल सिंघम को छोटा भीम से फ्रेंडशिप करवा दी। अब फिर ना ही कोई कॉम्पिटिटर बचता और ना ही कोई हेटर बचा, मतलब भाई छोटा भीम हेट करता है लिटिल सिंघम को, लेकिन अब उन्होंने फ्रेंडशिप कर लिया, तो अब कोई हेट मतलब हेट कोई करेगा नहीं, और भाई ऐसे लिटिल सिंघम छोटा भीम दोनों को सपोर्ट मिलेगा, दोनों फ्रेंड बन गए। और सोचते दोनों पर कोलैब वीडियो आए, तो तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों पर कोलैब वीडियो आएगी? उन पर आए या ना आए, भाई मुझे पता है हमारे यूट्यूब के यूट्यूबर ज़रूर ये सीरीज ला देंगे। सो गाइस आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए आपसे सॉरी कहता हूँ, लेकिन अब भाई वीडियो अब आती रहेगी, ठीक है, अब वीडियो सिर्फ आती रहेगी। मैं जानता हूँ भाई हम बहुत हमारा रिश्ता इतना बड़ा है, और भाई हम दूर हो जाते हैं तो भाई बहुत दुख मुझे भी होता है आपको भी होता है, लेकिन अब दुख होने वाली बात नहीं है, मैं वापस आ चुका हूँ। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो भाई मेरी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना,
और भाई साहब कमेंट भी कर देना भाई, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन कौन मेरी वीडियो को देख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ भाई मैं ऐसे और भी कंटेंट लाऊंगा, और भाई बहुत जल्द भाई एक कंपैरिजन वीडियो भी आने वाली है जो कि लिटिल सिंघम की टॉप 10 बेस्ट मूवीज़ की होगी, तो भाई उसको भी देखना मत भूलना, वो बहुत जल्द आ रही, कमिंग सून है, ठीक है, बहुत जल्द आ रही है। यूँ ही समझो भाई अगले मंथ या अगले मंथ से पहले आ जाएगी, मैं वादा नहीं करूँगा भाई आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं भाई हम एक अगली अच्छी वीडियो में, मैं ये कहना चाहता था। तब तक के लिए सायोनारा।